टॉम क्रूज, माइक टाइसन, मार्क जकरबर्ग, ओपरा विन्फ्रे, बैन किंग्सले, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, जस्टिन ट्रूडो, लियोनार्डो डी कैप्रियो, नेता से लेकर अभिनेता तक, इन लोगों में ना एक चीज कॉमन है, इन सब ने अपनी इंडिया विजिट के दौरान ताजमहल का दीदार किया है। ये तो वैसे कुछ ही चुनिंदा नाम थे, पर ये लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि आम हो या खास, हर साल लाखों लोग ताजमहल की खूबसूरती को अपने कैमरे में और दिल में कैद करने आते हैं। ताजमहल के सामने अपने प्रेमी को प्रपोज करना भी प्रेमी जोड़ों की बकेट लिस्ट में हमेशा रहता है। तो आखिर कैसे ताजमहल बना पूरी दुनिया के लिए द सिंबल ऑफ लव? सफेद संगमरमर से बने इस मकबरे को कैसे मिला दुनिया के 7 अजूबों में सबसे ऊंचा मुकाम? आज infinitystream.tv पर हम यही पता करेंगे। आप देख रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ ताजमहल। हर गुजरता कल इतिहास का हिस्सा बन जाता है। आपका बीता हुआ कल का दिन भी इतिहास बन चुका है, पर जो दुनिया की नजर में होता है कुछ खास, उसी का जिक्र करता है इतिहास। और ताजमहल ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खास है, बल्कि वर्ल्ड टूरिज्म के लिए भी एक माइलस्टोन स्ट्रक्चर है। यही वजह रही है कि यूनेस्को ने 1982 में ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। तो चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और आपको आज से ठीक 392 साल पीछे ले चलते हैं। बुरहानपुर, सन 1631। मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे अजीज बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है, पर अपनी बेगम की चीख सुनकर बादशाह उनके पास जाते हैं। मुमताज की हालत नाजुक थी और वो नहीं बच पाती है। बादशाह अपनी सिसकियों के साथ ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी अजीज बेगम की याद में एक शानदार इमारत बनवाएंगे, एक ऐसी इमारत जो धरती पर स्वर्ग के बराबर होगी। ना सिर्फ ये अपनी बेगम के लिए बादशाह का इजहार इश्क होगा, बल्कि ये मुगल सल्तनत की ताकत को हमेशा के लिए बुलंद कर देगा, दुनिया जिसकी मिसाल देगी। लगभग 7 महीने बाद ताजमहल को बनाने का खाका तैयार होता है। शाहजहां की शाही सोच को हकीकत में तब्दील करने के लिए रॉयल आर्किटेक्ट्स को काम पर लगाया जाता है और ये तय होता है कि मुमताज का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में बनेगा। यमुना नदी का बहता किनारा उस वक्त पहले से बसा हुआ था। आसपास बस्तियां थी, बागीचे थे और चारों ओर फैली हरियाली ने आगरा को ताजमहल के लिए एक परफेक्ट साइट की जगह दिला दी। लेकिन जब ताजमहल बनकर तैयार होता तो यमुना किनारे वैसा कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होता और वो भीड़ में सबसे अलग नजर आता। मुमताज के मकबरे में क्या क्या रहेगा, इस पर भी बहुत ब्रेनस्ट्रोमिंग हुई। ये तय हुआ कि वहां बागीचे होंगे, मस्जिद होगी, बाजार होंगे और ये वो जगह होगी जहां हर कोई जाना पसंद करेगा। बात जब इसकी आर्किटेक्चर की आई तो इसके लिए पर्शियन, इस्लामिक, इंडियन और यूरोपियन स्टाइल का मिक्स्ड आर्किटेक्चर तय हुआ। बादशाह ने कहा कि यह मकबरा कुछ इस तरह बनना चाहिए कि यह दुनिया को मुगल वास्तुकला की याद दिलाता रहे। आगरा के जिस कंपाउंड में ताजमहल बनना था उसका ज्योमेट्रिकल प्लान बनाया गया और कंस्ट्रक्शन में बैलेंस बना रहे इसके लिए पूरे कंपाउंड को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आज ताजमहल जहां खड़ा है वो इसका स्पिरिचुअल पार्ट है और इसके जो बागीचे हैं और आसपास का हरा भरा एरिया वो कंपाउंड का अर्थली पार्ट है। ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि जब कोई ताजमहल की ओर जाए तो उसे धरती से जन्नत जाने का एहसास हो। ताजमहल के आसपास जो स्ट्रक्चर है उसका ज्यादातर हिस्सा ईंट और सैंड स्टोन से बना हुआ है, जिस पर सफेद मार्बल की कारीगरी है। अगर आप ताजमहल जा चुके हैं तो आपने इसे जरूर से नोटिस किया होगा, या कभी जाएंगे तो इन बातों पर गौर कीजिएगा। इस आर्किटेक्चर में इंडियन ट्रेडिशन की झलक दिखती है। इसका सफेद हिस्सा स्पिरिचुअलिटी एंड प्योरिटी को दर्शाता है, तो लाल वाला हिस्सा वॉरियर्स और रॉयल्टी की पहचान है। लेकिन जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है यानी ताजमहल, वो इस्लामिक आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। 4 मीनारों के बीच खड़ा ताजमहल पूरी तरह से व्हाइट मार्बल यानी सफेद संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है सफेद मार्बल। इन पत्थरों को आज के मकराना राजस्थान से आगरा तक
400 किलोमीटर की दूरी तय करके ले जाया गया था। आज के यूट्यूबर्स किशनगढ़ में जो व्हाइट डेजर्ट की वीडियोस दिखाते हैं, वो दरअसल मार्बल कटिंग से निकला वेस्ट है। ये एक मार्बल डंपिंग यार्ड है, जो प्री वेडिंग शूट का एक पॉपुलर डेस्टिनेशन भी है। खैर, बात ताजमहल की हो रही है, तो इसकी दीवारों पर आपको जो फूलों की कारीगरी दिखाई देती है, वो इटालियन वर्क का नमूना है, जिसे पिएत्रा डूरा कहते हैं। इस फ्लोरल डिजाइन को बनाने के लिए सेमी प्रेशियस स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। ये जन्नत में बने किसी शाही बागीचे की झलक जैसा है। ताजमहल को इस्लामिक आर्किटेक्चर की टच देने का काम इसकी दीवारों पर कुरान की आयतों को कैलीग्राफिक डिजाइन से पुख्ता करवाया गया। और क्योंकि इस्लाम में जिस जन्नत का जिक्र है, उसमें 8 दरवाजे हैं, इसलिए इस मकबरे में बने कमरे ऑक्टेगनल या अष्टभुजाकार हैं। ताजमहल के सामने बने बागीचे 4 हिस्सों में बटे हुए हैं, और इसकी दीवारों में जो बागीचे बने हुए हैं, वो सेंट्रल एशियन हेरिटेज की याद दिलाते हैं। दीवार पर उकेरे गए फूल बिल्कुल फ्रेश दिखते हैं, और फल भी वहीं बने हुए हैं जो कि बाजारों में बिकते हैं। साथ ही ताजमहल के आर्किटेक्चर में जिन कारीगरों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, वो अपने काम में इतने माहिर थे कि उनकी बारीकी ताजमहल के हर जर्रे में दिखती है। जैसा कि हम जानते हैं, ताजमहल को बनने में लगभग 20 साल लग गए थे, पर इसके पूरा होने से पहले ही ताजमहल में हर साल मुमताज की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। यमुना नदी के उस पार शाहजहां ने एक और गार्डन बनवाया था, जिसमें एक पूल था। उसमें ताजमहल का परफेक्ट रिफ्लेक्शन दिखाई देता था। आर्किटेक्चर्स पिएत्रा डूरा के जानकार कुरान की आयतों को कैलीग्राफी से आर्ट वर्क में तब्दील करने वाले लोग, मार्बल की कटाई से लेकर ईंट बनाने वाले मजदूर तक, इस मास्टरपीस को बनाने में हजारों लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। 1643 में ताजमहल बनकर तैयार हो गया। शाहजहां ने बहुत से कारीगरों को इसके रिपेयर वर्क के लिए भी रखा हुआ था, जो पूरे कॉम्प्लेक्स की देखभाल और रखवाली करते थे। ताजमहल के पूरा होते ही दुनिया भर से इसके दीदार के लिए आगरा में लोगों का जमावड़ा लगने लगा। हर बार जब लोग आकर इसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते, तो बादशाह को फक्र महसूस होता। लेकिन शाहजहां बूढ़े हो रहे थे और बीमार रहने लगे थे। जल्द ही मुगल सल्तनत की बादशाहत को लेकर उनके बच्चों में झगड़े होने लगे। जब तक शाहजहां सेहतमंद हुए, औरंगजेब मुगल बादशाह की हैसियत से सल्तनत की कमान थाम चुके थे। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल शाहजहां आगरा के किले में नजर बंद रहे। दूधिया चांद की रोशनी में चमकते ताज का दीदार शाहजहां के लिए तन्हाई में वक्त गुजारने का इकलौता जरिया था। जब शाहजहां चल बसे, तो उन्हें भी ताज के अंदर मुमताज के पास दफनाया गया। ये तो था ताजमहल के इतिहास का एक ओवरव्यू। अभी इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। ये सफर लंबा तो होगा, पर आपके जहन पर एक डीप इम्पैक्ट भी डालेगा। तो बात ऐसी है कि जिस शख्स ने ताजमहल जैसे एक आलीशान मकबरे को बनवाया, उसकी शख्सियत कैसी थी, इस पर बहुत कम जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि शाहजहां एक पोलाइट पर्सन थे और हमेशा अदब से बात किया करते थे। एम्प्रेस ऑफ द पिकॉक थ्रोन, द सागा ऑफ द ग्रेट मुगल्स के राइटर अब्राहम इराली ने लिखा है, शाहजहां की पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा गुण था सेल्फ कंट्रोल। इटालियन हिस्टोरियन निकलाउ मनुची ने कहा था कि साम्राज्य चलाने से उन्हें जब भी फुर्सत मिलती, तो वो नाच गाने से खुद को एंटरटेन किया करते थे। वो शेरो शायरी भी सुना करते थे, और कहीं भी जाते थे तो उनके साथ एक डांसिंग ग्रुप हमेशा साथ चलता था। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से इतना प्यार करते थे कि उनकी जगह कोई और नहीं ले सका। अपनी दूसरी बीवियों से भी उन्हें उतना लगाव नहीं था जितना कि मुमताज से रहा। शायद यही रीजन था जो ताजमहल वजूद में आया। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार इनायत खान ने शाहजहां नामा में लिखा है कि मुमताज महल बहुत ही खूबसूरत थी, और बादशाह उन पे इतने डिपेंडेंट थे कि सल्तनत चलाने में भी उनसे मशविरा लिया करते थे। लेकिन मुमताज के साथ उनका ये सफर बहुत लंबा नहीं चला। मुगल बादशाह बनने के सिर्फ 4 साल बाद ही मुमताज का इंतकाल हो गया। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में जब मुमताज बेहद कमजोर हो गई थी,
तो उन्होंने शहंशाह से एक वादा लिया। मुमताज ने मांगा कि बादशाह अब किसी और महिला से कोई संतान नहीं लेंगे, और उन्होंने सपने में एक ऐसे बागीचे को देखा है जो जन्नत की तरह था। उनकी याद में वैसा ही एक मकबरा बनवाया जाए। जब मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो लेबर पेन इतना ज्यादा था कि ये पीरियड 30 घंटे तक चला, और हकीमों की तमाम कोशिशों के बाद भी मुमताज चल बसी। उनके जाने के दुख से शाहजहां अगले एक हफ्ते तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, किसी भी शाही कामकाज में हिस्सा नहीं लिया, और अक्सर सफेद कपड़े ही पहने हुए दिखाई देते। यहां तक कि उन्होंने लग्जूरियस लाइफस्टाइल से भी तौबा कर ली। कई बार तो उन्होंने गद्दी छोड़ने की भी सोची, पर पर्सनल लॉस के चलते सल्तनत चलाने की जिम्मेदारी छोड़ देना उन्हें बेईमानी लगी। मुमताज को पहले बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे दफनाया गया, फिर 6 महीने के बाद उनके पार्थिव शरीर को आगरा लाया गया, और 8 जनवरी 1632 में यमुना किनारे दोबारा दफनाया गया। बादशाह ने पहले तो बेगम के मकबरे को रोजाए मुनव्वरा नाम दिया था, जिसे बाद में ताजमहल कहा गया। ताजमहल को बनवाने की जिम्मेदारी मीर अब्दुल करीम और मुकम्मत खां को मिली। जहांगीर के दौर में मुकम्मत खां ईरान से हिंदुस्तान आए थे, और शाहजहां ने उन्हें अपना कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर बनाया था। 1642 में ये दिल्ली के गवर्नर भी बने, और शाहजहां बाद में लाल किला बनवाने की जिम्मेदारी भी इन्हें ही सौंपी गई। अगर आप कंस्ट्रक्शन वाइज एक कंपैरिजन करेंगे तो ताजमहल और हुमायूं के मकबरे में काफी समानताएं दिखाई देंगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि हुमायूं के मकबरे से ही ताजमहल इंस्पायर्ड था। ताजमहल जहां बना हुआ है, सबसे पहले उस जमीनी हिस्से को फ्लैट किया गया, और हजारों मजदूरों ने इस नायाब मकबरे की नींव खोदी। किसी भी नियर बाय रिवर के पास जब कोई कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है तो इंजीनियर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि नदी के पानी से बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। ताजमहल के लिए भी यही बात मुकम्मल की गई। जून से सितंबर तक इंडिया में मानसून का सीजन रहता है। यमुना में अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी ताजमहल को नुकसान ना पहुंचाए, इस बात का भी ख्याल रखा गया। ताजमहल का जो चबूतरा है, जिस पर लोग चलकर इसकी खूबसूरती निहारते हैं, वो 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा है। इसी बेस पर ये आलीशान मकबरा लगभग 4 सदियों से खड़ा है। ताजमहल में लगे कुछ संगे मरमर के टुकड़े इतने बड़े थे कि उन्हें आगरा तक लाने के लिए बैलों की फौज ने बहुत पसीना बहाया था। खास तौर पर बनी बैलगाड़ियों से ये मार्बल स्टोन राजस्थान से आगरा पहुंचे थे। ताजमहल से जुड़े कई मिथक भी हैं। एक ऐसी ही अफवाह ये थी कि ताजमहल के बनने का काम जब चल रहा था तो किसी ने उसे देखने की कोशिश की थी, और बादशाह ने उसकी आंखें फुड़वा दी थी। जब कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो बढ़ती हाइट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाने के लिए मचान बनाए जाते हैं। बादशाह को पता चला कि ताजमहल को बनाने के लिए जिस मचान को बनाया गया था उसे गिराने में 5 साल का वक्त लगेगा। ये सुनते ही उन्होंने ऐलान करवा दिया कि मचान गिराने से जो ईंटें निकलेंगी वो मजदूरों की हो जाएंगी। तो रातों रात मचान गिरा दिया गया। ताजमहल की कामयाबी के पीछे मैथमेटिक्स का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आइए इसे समझते हैं। करीब 16 साल की मेहनत और 20,000 मजदूरों का खून पसीना एक हुआ, तब जाकर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक ताजमहल तैयार हुआ। तभी तो अरिजीत सिंह ने गाना गाया है, सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। एक दीवाना था में भी क्लाइमेक्स सीन ताजमहल के आगे ही फिल्माया गया है। ये सिंबल ऑफ लव तो है ही, पर इंजीनियरिंग की नजर से ये सिंबल ऑफ मैथमेटिकल सिमेट्री भी है। सिमेट्री का मतलब होता है समानता या संतुलन। एक वर्टिकल लाइन या सीधी रेखा जब किसी चीज के बीच से गुजरती है और उसे समान दो हिस्सों में बांटती है तो उसे सिमेट्री कहते हैं। ऐसा करने पर वर्टिकल लाइन के राइट और लेफ्ट में हमें एक ऐसी हूबहू चीज मिलती है, जैसे कि ताजमहल के मुख्य गुंबद को बीच से अगर एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे तो आप पाएंगे राइट और लेफ्ट वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है। ताजमहल के एक साइड में जो मीनारे, गुंबद और खिड़कियां हैं, दूसरी साइड भी उनकी बनावट, लंबाई और चौड़ाई वैसी ही है। ताजमहल को बनाते हुए इसके ज्योमेट्रिकल डिजाइन पर
इतना ज्यादा ध्यान दिया गया था कि इसकी एक ओर बनी मस्जिद और दूसरी ओर बना गेस्ट हाउस भी आइडेंटिकल है। ताजमहल की मीनारों में मैथमेटिकल एंगल भी है। बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन मीनारों को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि वो पूरी तरह से सीधी ना होकर थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई है। इस झुकाव को जानबूझकर बनाया गया था ताकि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो या भूकंप आए तो मीनारे ताजमहल पर ना गिरकर बाहर की ओर गिरे। है ना कमाल की सोच। डॉक्यूमेंट्री में ये भी जिक्र आ चुका है कि ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतों की एनग्रेविंग भी की गई है। इनको भी कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि करीब से तो इन्हें पढ़ा जा ही सकता है, पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो ऊपर लिखे आयत भी विजिबल रहते हैं। साथ ही ताजमहल को बनाने के लिए द गोल्डन रेशो कैलकुलेशन को यूज किया गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 और 34 को इन्फिनिटी तक लेकर आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि हर नंबर सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स है। जैसे 0+1=1, 1+1=2, 2+3=5, 3+5=8 वगैरह है। अब इसी तरह अगर हर नंबर को उसकी प्रीवियस नंबर से डिवाइड किया जाए तो आउटकम लगभग 1.6 आएगा। जैसे 3 को 2 से डिवाइड करने पर 1.5, 5 को 3 से डिवाइड करने पर 1.6 और 8 को 5 से डिवाइड करने पर भी रिजल्ट 1.6 ही आएगा। इसे फिबोनाची सीरीज भी कहते हैं, जहां अगर 1/1 का एक स्क्वायर शेप यूज में लिया जाएगा तो अगला शेप 2/2 का होगा, फिर 3/3 का होगा और आगे 5/5। इसी तरह बढ़ते हुए कुछ ऐसा शेप तैयार होता है। इस तरह की ज्योमेट्रिकल डिजाइन से हर स्ट्रक्चर को एक विजुअल अपील मिलती है और वो स्ट्रक्चर दिखने में बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट होता है। इस डिजाइन को ग्रीस के पार्थेनन, फ्रांस के नोट्रेडाम, इजिप्ट के पिरामिड्स में भी इस्तेमाल किया गया है और यही वजह है कि ताजमहल की खूबसूरती की दुनिया दीवानी है। तो ये तो थे कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, पर ताजमहल से जुड़ी बहुत सी अफवाहें भी हैं। ताजमहल से जुड़ी जो सबसे बड़ी अफवाह थी उसे आप भी जानते होंगे। जब भी ताजमहल घूमने जाइए तो टूर गाइड्स भी यही किस्सा सुनाते हैं कि बादशाह ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, पर इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है और ना ही किसी हिस्टोरियन ने अपनी किसी किताब में ऐसे किसी इंसिडेंट को मेंशन किया है। ताजमहल में जो कुरान की आयतों की नक्काशी दिखती है उसकी जिम्मेदारी अमानत खान को मिली थी। ताजमहल पर बने फूल इतने असली दिखते हैं कि आपको उन्हें छूकर देखने का दिल करेगा। रशियन राइटर हेलेना ब्लावत्स्की ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है। ताजमहल में लगभग 40 अलग अलग प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं। जैसे हरे रंग के जेड स्टोन्स को वाया सिल्क रूट चाइना से मंगवाया गया था। नीले रंग के पत्थर लापीज लजूली अफगानिस्तान से आए थे। फिरोजा पत्थरों को तिब्बत से तो मूंगा को अरेबियन सी और रेड सी से लाया गया था। एस्ट्रोलॉजर्स अक्सर लोगों को रूबी यानी माणिक पहनने को सजेस्ट करते हैं। ताजमहल में ये पत्थर भी लगे हुए हैं जो श्रीलंका से आए थे और येलो अम्बर स्टोन्स बर्मा से मंगवाए गए थे। कैट्स आई यानी लहसुनिया पत्थर इजिप्ट से आए थे। उस दौर में नीलम को अनलकी माना जाता था, इसलिए ताजमहल में नीलम का इस्तेमाल ना के बराबर हुआ है। ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा आया होगा, मॉडर्न डे में ये एस्टिमेट किया जाता है कि 1648 में ताजमहल जब पूरा हुआ होगा तब उसे बनाने में $32 मिलियन लगे होंगे, जो आज के हिसाब से लगभग $1 बिलियन है, यानी 800 करोड़ रुपए। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में ताजमहल को बनाने की मजदूरी ही लगभग 50 लाख रुपए अदा की गई थी। हिस्टोरियंस को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे ये दावा किया जाता है कि शाहजहां ने लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसका ज्यादातर हिस्सा शाही खजाने से खर्च किया गया था। किसी चीज को बनवाना ही काफी नहीं होता, उसकी मेंटेनेंस पर काफी खर्चा आता है। ताजमहल के रखरखाव के लिए शाही खजाने पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए आगरा के आसपास बसे 30 गांवों से आने वाले टैक्स के पैसों से ताजमहल की मेंटेनेंस का फरमान जारी हुआ। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब मुगल बादशाह बने तो उन्होंने अपने वालिद को कैद कर लिया। शाहजहां बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने अपना आखिरी समय ताजमहल के दीदार में गुजारा। सन 1666 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी बेटी जहां आरा ने औरंगजेब से गुजारिश की
कि अब्बू को शाही विदाई मिलनी चाहिए, पर औरंगजेब नहीं माने। शाहजहां को उनकी बेगम मुमताज के पास दफनाया गया। मुगल सल्तनत का जब सूर्यास्त हुआ तो हिंदुस्तान की हुकूमत लगभग अंग्रेजों के हाथों में जा चुकी थी। उन्होंने ताजमहल जैसी पाक जगह को अय्याशी का ठिकाना बना दिया। ताजमहल के आसपास हनीमून कॉटेज बना दिए गए, गार्डन्स में पिकनिक मनाए जाने लगे। ताजमहल में लगे अनमोल रत्न और पत्थर, बेशकीमती कालीन और नक्काशियां गायब होने लगी। विलियम बेंटिक जब ब्रिटिश गवर्नर बने तो ऐसी अफवाह भी उड़ी कि वो ताजमहल को गिराकर उसके मार्बल स्टोन्स की नीलामी करेंगे। 1857 के पहले इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अंग्रेज सैनिकों ने कई इमारतों में तोड़फोड़ की, पर खुशकिस्मती से ताजमहल बचा रहा। लेकिन कुछ ब्रिटिश गवर्नर्स भारत की वास्तुकला को बचाने में भी रुचि रखते थे। लॉर्ड कर्जन भी ऐसे ही थे और उन्होंने ताजमहल की मरम्मत पर खर्च भी किया। किसी भी जंग के दौरान हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स और साइट्स को नुकसान पहुंचने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा को तवज्जो दी जाती है। ऐसा ही कुछ ताजमहल के साथ भी था। जब दुनिया के 7 मशहूर अजूबों में शुमार ताजमहल को बचाने के लिए भी उसे बांस के मोटे लेयर से ढक दिया गया, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हवाई हमलों से ताजमहल को बचाने के लिए भी ऐसा ही किया गया था। इंटरनेट पर जो पिक्चर्स अवेलेबल है उनमें सिर्फ ताजमहल का मुख्य गुंबद ही ढका हुआ दिखाई देता है, पर ऐसा कहा जाता है कि 1942 में जर्मन और जापानीज बॉम्बर विमानों से ताजमहल को बचाने के लिए उसे पूरी तरह से ढक दिया गया था। 1965 और 1971 की लड़ाई के दौरान भी ताज को बचाने का बंदोबस्त किया गया था। 1965 में तो एक बहुत बड़े काले कपड़े से ताजमहल को ढकवा दिया गया था ताकि रात को चांद की रोशनी में ताजमहल न जगमगाए और दुश्मन की नजर से ओझल रहे। अगर आज की सिक्योरिटी की बात करें तो CISF के जवान ताजमहल की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं, साथ ही लोकल पुलिस फोर्स की भी ड्यूटी लगी रहती है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जैसे इम्पोर्टेंट दिनों पर ताजमहल की सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है। मेल और फीमेल विजिटर्स के लिए भी सिक्योरिटी चेक्स में अलग लाइंस लगते हैं। अगर आप ताजमहल देखने जा रहे हैं तो अपने साथ गवर्नमेंट आईडी जैसे वोटर या आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी कैरी कर सकते हैं। इंडोर गेम्स जैसे प्लेइंग कार्ड्स, स्नेक्स एंड लैडर्स, लूडो या फिर बैट बॉल्स, रैकेट्स या दूसरे आउटडोर गेम आइटम्स भी अलाउड नहीं है। किसी भी टाइप का हथियार, स्मोकिंग आइटम्स, हेडफोन्स, फूड आइटम्स, च्युइंगम, चाकू छुरी, इलेक्ट्रिक गुड्स, वायर्स, मोबाइल चार्जर्स, ट्राइपोड्स, लैपटॉप्स, MP3 म्यूजिक प्लेयर, फ्लैश लाइट जैसी चीजें ताजमहल कॉम्प्लेक्स में प्रतिबंधित हैं। विजिटर्स अपने साथ मोबाइल कैरी कर सकते हैं, पर बड़े बैग्स भी अलाउड नहीं है। अपना सामान रखने के लिए गेट पर लॉकर फैसिलिटी है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ताजमहल कॉम्प्लेक्स में शोर मचाने पर भी पाबंदी है, क्योंकि ये एक मकबरा है और इसके अंदर मस्जिद भी बनी हुई है। कोशिश करें कि आपसे ताजमहल की दीवारों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया या दीवार से कुछ खुरचने की कोशिश करता मिला तो उसे पनिशमेंट भी हो सकती है। विजिटर्स अपने साथ पानी की बोतल ले जा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ताजमहल को अच्छे से देखने के लिए टूर गाइड लेना हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो आपको सही जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही आपको सही टाइम पर सही जगह दिखाते हैं ताकि आप टाइमली अपना विजिट पूरा कर सके। दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर्स भी अवेलेबल हैं, तो जरूरत पड़ने पर आप उन्हें ले सकते हैं। और इतना याद रहे कि ताजमहल एक मकबरा है और रिलीजियसली एक पवित्र स्थल है, ना कि कोई पिकनिक स्पॉट। तो ताजमहल विजिट करते हुए आपका पहनावा भी वैसा ही हो जो वहाँ के एम्बियंस को कॉम्प्लीमेंट करे, क्योंकि ताजमहल एक हेरिटेज साइट है तो आज भी इसकी मरम्मत का काम जारी है। हर साल लाखों लोगों की मेहमान नवाजी करता ताजमहल लगातार मौसम की मार भी झेलता है, इसलिए दीवारों में, चबूतरे में और बाकी के हिस्सों में भी कोई डिजाइन, कोई मार्बल का टुकड़ा, फूलों की कोई नक्काशी अगर निकल जाती है तो लोकल कारीगर जिन्हें इसकी जानकारी है वो ताजमहल की मरम्मत का काम करते हैं। यूं तो आज हमारे घर में मरम्मत का काम व्हाइट सीमेंट या नॉर्मल सीमेंट से किया जाता है, पर ताजमहल में सीमेंट जैसा मिक्सचर बनाने के लिए चूना, उड़द की दाल और बताशे का पानी इस्तेमाल होता है। कारीगर हाथों से टूटे हुए टुकड़े जैसा ही हिस्सा तैयार करके लाते हैं और उन्हें इसी मिक्सचर से चिपकाया जाता है।
कई कारीगर परिवार ऐसे भी हैं जो पीढ़ियों से इसी काम में लगे हुए हैं। सैड पार्ट ये है कि बहुत से विजिटर्स बाइक या कार की चाबी लगाकर ताजमहल में लगे पत्थरों के टुकड़े उखाड़कर ले जाते हैं। ताजमहल की मरम्मत करने वाले कारीगर ही ये बातें बताते हैं। हिंदुस्तान की इस धरोहर को बचाना हमारी भी जिम्मेदारी है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। उम्मीद है ताजमहल पर बनी हमारी डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी और भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। बने रहिए infinitystream.tv के साथ।